सुनिए, ये लड़की तो इतनी सुंदर है, परंतु उसकी आंखों को क्या हुआ और ये अंधी कैसे हो गई? यार, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। क्या हुआ मुझे बताओ ना, मैं इस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए ना। कुछ समय पहले की बात है, हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं, शिवानी, काजल और वंदना। हम हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे। मेरे दिन रात, ये सुबह शाम, ये मेरी सारी जिंदगी। और हम साथ में स्कूल जाते थे और साथ में बड़े हुए। ये सुबह शाम, ये मेरी सारी। और बताइए इनके बारे में। आप जो इसके बारे में पूछ रहे हो ना, इसका नाम है वंदना और हमारी एक और दोस्त है शिवानी। ये दोनों ना इंजीनियर बनना चाहती थी। अच्छा। और शिवानी, तूने क्या सोचा है आगे की पढ़ाई के लिए? अब तो कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है। मैंने सोचा है मैं आगे की पढ़ाई हैदराबाद में करूंगी। अच्छा, एक काम करते हैं शिवानी, हम ना साथ में चलते हैं हैदराबाद और दोनों ही साथ में इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है? ठीक है। इनका सपना ना पूरा ही होने वाला था, पर वो कहते हैं ना, जब किसी को खुशी होती है ना, तो उसकी खुशियों को हमेशा नजर लग जाती है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, इनकी खुशियों को भी नजर लग गई। फिर एक दिन शिवानी का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या, फिर शिवानी की दोनों आगे चली गई और शिवानी अंधी हो गई। देखिए, आपकी फ्रेंड की दोनों आंखें चली गई हैं। जल्दी से जल्दी आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो इनको आंखें डोनेट कर सके। अरे डॉक्टर, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं आंखें दूंगी शिवानी के लिए। यार वंदना, तू अपनी आंखें उसको डोनेट कर देगी, फिर तू कैसे देखेगी? तेरा भी तो एक सपना है ना इंजीनियर बनने का। हाँ, सपना तो शिवानी का भी है इंजीनियर बनने का, पर क्या करूं, हम दोनों में से कोई एक इंजीनियर बन जाए, मेरे लिए बस यही काफी है। डॉक्टर, कब दिन आए शिवानी को आंखें? देखिए, ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आप एक बार और सोच लीजिए। डॉक्टर, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं चाहती हूँ कि शिवानी इस दुनिया को देखे, अगर उसने देख लिया तो समझो मैंने भी देख लिया सब। डॉक्टर, आप जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। हाँ, करता हूँ। और हाँ, आप जैसे दोस्त ना बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। और हाँ डॉक्टर, आप ये बात शिवानी को कभी मत बताना कि मैंने उसको आंखें दी। ठीक है। वंदना शिवानी से बहुत प्यार करती थी, इसने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसे हमने बहुत समझाया पर इसे कुछ समझ में नहीं आया, इसने किसी की नहीं सुनी। क्या भला एक लड़की भी किसी एक लड़के के लिए ऐसा कर सकती है? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। जब शिवानी को वंदना के अंधेपन के बारे में पता चला तो वो पूरी चेंज हो गई। यार ऋषिका, शिवानी अभी आई कि नहीं आई? यार अभी तक तो नहीं आई, शायद वो पैकिंग कर रही होगी हैदराबाद जाने की। अच्छा। हाँ, आती होगी बस। चल ठीक है, देखते हैं कब तक आती है वो। हाँ गाइस। यार मैंने तुम लोगों से कितनी बार बोला, अंधी को मेरे सामने लेकर मत आया करो, मुझे इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं, फिर भी तुम लेकर आ जाते हो। सारा मूड खराब कर दिया इसने मेरा हैदराबाद जाने का। यार शिवानी, तू मेरी वजह से अपना मूड खराब मत कर, तू आराम से जा हैदराबाद। फिर वंदना ने अपनी दोनों आंखें शिवानी को डोनेट कर दी और फिर ये अंधी हो गई। क्या? हाँ। अरे ऋषिका और काजल, तुम दोनों ना शिवानी को एयरपोर्ट तक छोड़ आओ। अरे पर तुम घर कैसे जाओगी?
मैं चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। यार बाय, जाओ आराम से जाना बनना। ठीक है। और फिर धीरे धीरे शिवानी वंदना से बहुत नफरत करने लगी। वो उसकी शकल भी देखना पसंद नहीं करती थी, वो उसको इग्नोर करने लगी थी। यार पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया, वो पूरी बदल चुकी है यार। अच्छा तो वैसे आजकल वो लड़की कहाँ है शिवानी, जिसको वंदना जी ने आंखें डोनेट की हैं? उसका ना इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो गया और वो ना आज हमारे गाँव आने वाली है। उमरी तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? शिवानी तुम कब आई यहाँ पे? मैं बस अभी आई। तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि वंदना ने मुझे आकर डोनेट की थी? तुझे हैदराबाद जाने की इतनी ज्यादा खुशी थी, तू हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। हमने तुझे बहुत बार सोचा बताने की पर तू सुनती नहीं थी। अरे काजल, ऋषिका कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ हो तुम दोनों? आओ ना मेरे पास। कहाँ हो? यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे वंदना के पास ले चलो ना, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम अभी तुझे वंदना से मिलवाते हैं और तुम लोग भी मुझे माफ कर दो। ठीक है। यार मुझसे गलती हो गई, क्यों बार बार मुझे ब्लेम कर रहे हो? और तुम जैसी दोस्त भी ना भगवान करे किसी को ना मिले। अरे यार अब ये सब छोड़ो, चलो उसे ढूंढते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, पता नहीं वो कहाँ गई होगी। हाँ हाँ चलो। वंदना बन